कोई भी मेकअप कर रहा हूँ, सीटीएम बहुत बहुत जरूरी है। किसी भी स्किन को प्रिपेयर करने के 3 स्टेप होते हैं जिनको क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बगैर ना मेकअप चलते नहीं। आपके क्लाइंट्स कहते हैं कभी मेरा मेकअप ड्राई हो गया, क्रैक हो गया, कभी कहते हैं कि मेरा मेकअप आज बहुत ऑयली हो गया। तो स्किन को बैलेंस करना होता है। स्किन को बैलेंस करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। कलरेशन मीन्स कलर बैलेंस नहीं है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, कहीं हमें बिल्कुल फेयर दिखेगा, कहीं ब्राउनिश दिखेगा, कहीं नीलापन, कहीं कालापन, कहीं यहाँ को पिम्पल्स भी दिखते हैं किसी स्किन में। तो ये डिसकलरेशन होती है, इसको कलर करेक्टर कहते हैं, कलर करेक्शन से इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा स्किन में देखना होता है कि स्किन ऑयली है या ड्राई या कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसके हिसाब से मेकअप होएगा। अगर उसकी स्किन ड्राई है तो आपके मेकअप से सबसे ज़्यादा थोड़ा ऑयल और क्रीम का यूज़ ज़्यादा होगा। अगर उनका स्किन ऑयली है, मौसम भी गर्मी का है, तो कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ होंगे जिनमें ऑयल्स नहीं है। और ऐसे प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं एच टी प्रोडक्ट्स में ऑयल्स बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, रादर वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ कुछ HT प्रोडक्ट्स जो आपके स्किन का ऑयल भी खींच लेते हैं। अंडर आइज पे भी अच्छे से लगा है मॉइस्चराइजर। मिडिल ऑफ द आईब्रो में ले सकते हैं, इस तरह से ये शेप दिए क्योंकि आईब्रोज में कम्प्लीट की ये मिसिंग के बाल हैं। आगे बिल्कुल ठीक है, आगे कुछ नहीं किया। अब हमने ब्लैक किया और इनके आईब्रोज ब्लैक हैं, तो हमने ब्लैक लेके इसमें ऐसे स्ट्रोक्स लगाने हैं जैसे बाल हो गए उसी शेप। अब मैं इसको वापस ऊपर किया। अब नीचे देखना है कौन से बाल मिसिंग है। यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं, स्ट्रोक्स लेंगे छोटे छोटे स्ट्रोक्स जैसे बाल होते हैं। थोड़ी सी अमी बनाई हुई है उनकी कुछ बाल हाँ जी मैम। नेक्स्ट आता है हमारा कंसीलर। जो आईब्रोज पे ना ये लेंथी हो रही नीचे से, वो बहुत नैरो हो रही है, दिखता है बस। आपको कुछ करना पड़ेगा इस वाले आईब्रोज के लिए ना, ऐसे जा रही सीधी, वो छोटी सी जा रही है। इसी के लिए कंसीलर। हम बेस भी ले सकते हैं, हम कंसीलर भी ले सकते हैं, हम नॉर्मल बेस भी ले सकते हैं। अगर क्योंकि इनकी स्किन में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें रेड लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आई से। फिलहाल के लिए मैंने कंसीलर लिया है। शार्प बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही बहुत है।
लेस इज ऑलवेज मोर, मेकअप नहीं कहते हैं लेस इज मोर, थोड़ा ही मोर। तो हमेशा मेकअप जब हम नेचुरल, आज की डेट में सबको नेचुरल मेकअप चाहिए, तो प्रोडक्ट कम से कम बनाना है। इसी तरह एक ये शार्प लाइन है, इससे क्या हुआ तो मैंने अभी आपको बताया कॉन्टोर इफेक्ट, डार्क और लाइट। जैसे ही हमने यहाँ लाइट लगाया ये डार्क उभर गया। पहले ये देखिए ये इतना उभरा हुआ नहीं लग रहा है, ब्रो जितना ये उभरा हुआ लग रहा होगा क्योंकि इसको हमने कॉन्टोर इफेक्ट दिया है। कॉन्टोर का मतलब होता है लाइट और डार्क, हाईलाइट और कॉन्टोर का मिक्सचर। आईब्रोज को डार्क किया और ऊपर और नीचे हमने लाइट लाइट किया, आईब्रोज एकदम से निकल के आ गए। ये इतनी वॉकआउट नहीं हो रही जितनी ये वॉकआउट हो रही है, लग रहा है ना? हाँ जी। ब्लैक में देते हैं हल्का सा, ब्लैक का एक टच ले रही हूँ जस्ट, वो भी मिडिल ऑफ द आईब्रो में ले सकते हैं। आगे बिल्कुल ठीक है, आगे कुछ नहीं किया। अब हमने ब्लैक किया और इनके आईब्रोज ब्लैक है, तो हमने ब्लैक लेके इसमें ऐसे स्ट्रोक्स लगाने हैं जैसे बाल हो गए उसी शेप। अब मैं इसको वापस ऊपर किया, अब नीचे देखना है कि कौन से बाल मुझे हैं। और यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं, स्ट्रोक्स लेंगे छोटे छोटे स्ट्रोक्स जैसे बाल होते हैं। थोड़ी सी अमी बनाई हुई कुछ बाल हाँ जी मैम। नेक्स्ट आता है हमारा कंसीलर। जो आईब्रोज पे ना ये लेंथी हो रही है नीचे से, वो बहुत नैरो हो गई देखो, बस आपको कुछ करना पड़ेगा इस वाले आईब्रोज के लिए ना, ऐसे जा रही सीधी वो छोटी सी सीधी जा रही है। हाँ हाँ उसी के लिए ये है, इसी के लिए कंसीलर। हम बेस भी ले सकते हैं, हम कंसीलर भी ले सकते हैं, हम नॉर्मल बेस भी ले सकते हैं अगर, क्योंकि इनकी स्किन में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें रेड लगाने की जरूरत है कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आईज है। फिलहाल ये मैंने कंसीलर लिया है, छुपा सकते हैं सारी सारी लोग लगाते हैं, आप लगा सकते हो, पर बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही बहुत है। लेस इज ऑलवेज मोर, मेकअप नहीं कहते हैं लेस इज मोर, थोड़ा ही बहुत है। तो हमेशा मेकअप जब हम नेचुरल, आज की डेट में सबको नेचुरल मेकअप चाहिए, तो प्रोडक्ट कम से कम बनाना है। इसी तरह एक ये शार्प लाइन है,
अभी आपको बताया कॉन्टोर इफेक्ट, डार्क और लाइट। जैसे ही हमने यहाँ लाइट लगाया ये डार्क उभर गया। पहले ये देखिए ये इतना उभरा हुआ नहीं लग रहा है, ब्रो जब तक ये उभरा हुआ लग रहा होगा क्योंकि इसको हमने कॉन्टोर इफेक्ट दिया है। कॉन्टोर का मतलब होता है लाइट और डार्क, हाईलाइट और कॉन्टोर का मिक्सचर। आईब्रोज को डार्क किया और ऊपर और नीचे हमने लाइट लाइट किया, आईब्रोज एकदम से निकल के आ गए। ये इतनी पॉप आउट नहीं हो रही जितनी ये पॉप आउट नहीं है, लग रहा है ना? हाँ जी। फेस को फ्लड करने जा रहे हैं क्योंकि हम एचडी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आपने पूछा कि अगर ऑयली स्किन है तब भी लगाना है कम लगाना है? आँखों के नीचे कुछ कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो बता देने? तो हम लगा रहे हैं आज नायका का स्किन पोशन गोल्ड ऑयल। दिस इज गुड फॉर मेकअप। ये दो कलर्स होते हैं मेन, ये एल ए गर्ल के हैं दोनों कंसीलर्स, दोनों कंसीलर्स हम लोग एल ए गर्ल के लगाएंगे। हालांकि इनकी स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी थोड़ा सा लगाएंगे। अच्छा कंसीलर ये स्विस ब्यूटी का भी है, मैं आपको बताऊंगी रीजनेबल में भी कौन कौन से सारे प्रोडक्ट्स हैं। और फॉरएवर 52 सारे ब्रांड्स के हमारे पास कंसीलर होने चाहिए, होने नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ हमें डार्क थोड़ा सा स्किन में कालापन नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम ये लगाएंगे। और अब हमने इसको से घुमाना नहीं है, इसको यहाँ बिठाना है डैप पर। ये ब्रशेज से सबसे पहले डैप करें क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ से और करेंगे ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रोडक्ट को, पहले तो ब्रश से ही डैप करें। लगाने से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए, इसीलिए जहाँ जहाँ मैंने ब्रश से लगाया था वहाँ रेड दिख रहा है, जहाँ हमेशा ब्रश से डैप करता है एक बार स्किन में जाना वाला चला जाएगा, नहीं तो ये एक्स उतार लेता है, ठीक है? आ जाता है हमारे इनकी स्किन के हिसाब से, कलर टोन के हिसाब से इसमें मुझे ये सबसे अच्छा लगेगा। जितना जो इंसान फेयर होगा उस तरह उसका हम ये कलर चूज़ करेंगे फिर, ठीक है? जैसा जिसका रंग होगा ये कलर उस पर डिपेंड करेगा। इनके रंग के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा क्लोज है, आज मैं ये लगा रही हूँ। देखिए इसमें पीलापन कितना है, एंड आई कैन प्रूव इट माय फिंगर आल्सो। ये फिंगर क्या करती है, आपके नीचे के ऑयल को भी और उसको आपस में ड्रेन करती है, जो काम कोई नहीं कर सकता, कोई ब्रश नहीं कर सकता। तो फिंगर्स यूज करना मेरा पर्सनली मुझे सबसे अच्छा लगता है। आज के डेट में थोड़ा सा अनहाइजीनिक माना जाता है तो उसका ख्याल भी रखना, कई लोग नहीं चाहते कि हमारे फेस को टच किया जाए, एंड दैट मीन्स बिल्कुल नहीं टच करना। सुरेश भैया को कहना 2 बजे की निशान है, लाल निशान है, वो हम ठीक कर सकते हैं। कोई चीज़ उभरी हुई है या गड्ढा है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। किसी के पेट्स हैं बहुत ज़्यादा, उसको हम नहीं कर सकते, उस पर सामान भरने की कोशिश मत करना, भर दे जाएगा और बाद में भरना चाहिए, ठीक है? उसको नहीं कवर कर सकते। ये जितना फोटोज में दिखाते हैं वो फोटो का इफेक्ट होता है, वो ये नहीं होता कि बंदे की शक्ल ऐसी थी और प्लेन होगी जी प्लास्टिक की जैसी, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। एयर ब्रश मेकअप थोड़ा बहुत हेल्पफुल है, वो क्या करता है एयर ब्रश होता है ना तो वो जाके गड्ढों में घुस जाता है, महीन होते हैं बहुत पतला, ये वाले जो है बहुत थिक होते हैं, वो बहुत पतला होता है, इसलिए वो बेटर होता है एक नंबर। लेकिन वो भी ऐसे नहीं कि एकदम प्लेन करेगा आपकी स्किन पर, वो पिक्चर्स में दिखाते हैं, पिक्चर्स में दिखाते हैं, सब होता है। चलिए ये हमारा करेक्शन हो गया,
एच डी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, आज हम लेते हैं उनके लिए इनकी स्किन टोन से आज हम यूज़ कर रहे हैं हुडा का एच डी प्रोडक्ट्स बेस के लिए। थोड़ा सा फेयर जा रहा है मुझे इनकी स्किन से, तो मैं साथ में थोड़ा सा फॉरएवर 52 का एक शेड ले लूँ जो थोड़ा सा मोर येलो है, इज अ बिट पिंकिश, थोड़ा सा डार्क है थोड़ा सा लाइट है। हम ये दोनों कलर्स यूज करेंगे इनकी स्किन पर। इन दोनों रंग को मैंने मिला दिया। अब ये हमारी इंडियन टेंडेंसी है जो मेकअप कराने आ रहा है उसे थोड़ा सा फेयर होना है, ठीक है ना, तो इतना फेयर हम उनको कर सकते हैं बड़े आराम से। ये यहाँ देखिए इनकी स्किन में मर्ज हो रहा है, इतना इनकी स्किन ले ले मर्ज हो रहा है, हो गया, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अलग से बना दिया हमने मेकअप, तो ये इतना इनका रंग है इनकी स्किन पर इतना आराम से चल रहा है, इससे भी ज़्यादा फेयर हम कोई करना चाहे तो हम कर सकते, ठीक है। ये भी बहुत जल्दी सूखता है प्रोडक्ट, लगाया और हमने साथ साथ ब्लेंड करना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन होंगे हम पूरे फेस को लगा सकते हैं, प्रोडक्ट लगाया आराम से अब कर रहे हैं, गर्मी है पंखा चल रहा है, हम एक ही साइड पे पहले लगाएंगे और एक ही साइड दूसरी साइड पे बड़ा बड़ा सूख जाएगा कलर में। लेकिन डायरेक्ट फैन नहीं है लेकिन मैं फिर भी नहीं लगा, देखिए ये रंग सब बिल्कुल ऐसा इनकी स्किन से मैच कर रहा है, बिल्कुल आउट नहीं जा रहा है। नीचे जब भी हमें लगाना होगा फैन को बोलेंगे ऊपर देखें, क्योंकि ऊपर देखने से यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाता है कलर अप्लाई करने का। नाक के कॉर्नर से अगर बहुत रंग करते हम फिंगर से या ब्रश से भी कर सकते हैं। आपके ट्रायल ऑन के प्रोडक्ट से भी मेकअप करेंगे, ऐसा नहीं है कि उससे मेकअप अच्छा नहीं है, अच्छा जर्मनी के प्रोडक्ट्स हैं वो लेकिन सस्ते हैं इसलिए उनका वो थोड़ा हो गया कि यार ट्रायल ऑन नहीं उनको ये वाला वो वाला, वो भी प्रोडक्ट आज से 10 साल पहले से वही प्रोडक्ट सब यूज़ करते थे, बढ़िया मेकअप करते थे। मैम सी पी एम होना चाहिए बाकी प्रोडक्ट कोई सा भी हो, एग्जैक्टली सी पी एम अगर आपने सही किया, अगर आपने स्किन का प्रिपरेशन किया ऑयली स्किन को अपने ऑयली के हिसाब से प्रिपेयर करना, अब जैसे अच्छा प्रोडक्ट है तो सी पी एम निकल गया ना वो भी खराब हो जाएगा। तो सी पी एम का मतलब क्या हुआ, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर, यू नो दैट सी पी एम क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर सी पी एम, क्लीन करो टोन करो मॉइस्चराइज करो, टोन मतलब गुलाब जल टोनर होता है, खीरे का रस टोनर होता है, ये सब टोनर है, ये स्किन को एब्जॉर्प्शन देते हैं कि आगे आने वाला प्रोडक्ट अंदर चला जाए, यहीं बैठा ना रहे अंदर मेरे स्किन उसको, उसके लिए टोनर होता है और ऑलरेडी आपके स्किन के ऑयल्स को कंट्रोल करता है, टोनर बहुत सारे काम करते हैं। देखिए यहाँ पर वो कालापन फिर से उभर के आ गया जो एक चीज का थोड़ा सा नीचे लगाते फिर से,
थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। अच्छा अब इनको और फेयर होना है, अब क्या करोगे? नहीं नहीं अभी थोड़ा सा और करो फेयर। मैं कंसीलर लगाएंगे हम जो उससे ना थोड़ा सा हल्का और, हाँ उस कंसीलर को हम हाई लाइटर में बोलते हैं लिक्विड, यही इसी को जब इसी का रंग जब लाइट हो जाता है इसको हाई लाइटर भी बोल देते हैं। लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि कंसीलर क्या है हाई लाइटर क्या है, यही कंसीलर है यही, हाँ ये जब लाइट कलर का हो गया तो इसको हाईलाइटर, ये ब्राउन कलर इसके अंदर सबसे ज़्यादा येलो और थोड़ा सा रेड डला हुआ है, इसके अंदर ज़रा भी येलो नहीं है ज़रा भी रेड नहीं है, इसमें वाइट डला हुआ है तो ये आपको वाइट कर देगा। लेकिन अगर आपने डार्क एरिया में लगा दिया डायरेक्ट इसको, अपने काला है काले पे सफ़ेद लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ग्रे ग्रे, थोड़ी देर के बाद मेकअप काला, तो काला है नहीं हमारा कोई पैच है कुछ है, उस काले एरिया पे सीधे ही नहीं लगाना, पहले ये लगाना, इससे पहले रेड लगाना है अगर बहुत काला है तो, रेड और येलो से हमने उसको बैलेंस करना है, ब्राउन लगा के उसकी स्किन टोन वापस ले आनी है, उसके बाद ये लगाना है। और ये रंग कोशिश करके जिस एरिया को हमने करेक्ट किया है उस एरिया पर ना ही लगाओ, ये फिर से कालापन उभार सकता है, ठीक है? अगर इनको फेयर अप होना है और इनके यहाँ पे अंडर आइज थे डार्क सर्कल्स थे किसी के, तो हम डार्क सर्कल पे ये कभी नहीं लगाएंगे, इसको डार्क सर्कल के नीचे वाले एरिया पे यहाँ पर लगाएंगे, डार्क सर्कल छोड़ देंगे, इनके नहीं थे किसी के होंगे तो इस तरह से हम छोड़ देंगे। ये हमारे हाइलाइटर पॉइंट है इसीलिए इसको हाईलाइट बोलते हैं, इन पॉइंट्स का नाम है हाइलाइटर, ताकि इनको हम हाईलाइट करें फेयर कर दें। यहाँ पे मैं एक दूसरे कलर का फाउंडेशन भी यूज़ कर सकती हूँ, फेयर फाउंडेशन, ज़रूरी नहीं है कि कंसीलर घी लगाना, कंसीलर बहुत अच्छा होता है, अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप कोई फेयर फाउंडेशन लगा लो। इसको मैंने इसी जगह रखा है, नीचे नहीं लाई हूँ, यहीं के यहीं मैं इसको मर्ज करती हूँ और से। तो आप देखो ये एरिया फेयर है, ये वी एक वी जैसा बन गया जो फेयर है। इस वी के बाद देखिए हमने कॉन्टोर करना है, ये हमने हाईलाइट किया था, अब उस हाईलाइट के नीचे हम कॉन्टोर कल हम फिर से कॉन्टोर और हाईलाइट करने एक बार फिर से इकट्ठे कर देंगे, आज मैंने ब्लेंड पहले ही कर दिया। ये कॉन्टोर क्या करेगा, आपकी स्किन के उस पार्ट को दबा देगा, छोटा कर देगा, और इनका फेस पहले ही छोटा है, मैं ये ज़्यादा करूँगी ना फेस और छोटा हो जाएगा, मुझे इनका कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इनके यहाँ पर एक ऐसे बनाना है कि इनकी चीक्स नज़र आए, कोई इनकी कटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शार्प फेस है उनका, यहाँ हम ज़रूर एक बार लगाते हैं ताकि कोई कॉन्टोर इफेक्ट आ जाए जिसका मतलब शार्पनेस आ जाए। ऑयली सा स्किन है, बैलेंस स्किन है, ड्राई नहीं है बिल्कुल, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं लग रही, लेकिन किसी मेरे एज ग्रुप में सबको ज़रूरत लगेगी, इसलिए मेरे एज में एच डी प्रोडक्ट लगाते हुए सोचना मत लगाना।
टॉनिक मिस्ट, ठीक है, ये लगाने के बाद ये पी ए सी का एक टॉनिक मिस्ट है, करना कर दिया हम, ठीक है। ये टॉनिक मिस्ट है पी ए सी का, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया, अभी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, दिख रहा है ऊपर लगा हुआ, हम ये करते हैं इसमें थोड़े से ऑयल्स भी रहते हैं तो आँखें कवर कर लेते हैं आइस बल, और आँखें कवर करके हम ये बहुत अच्छा गुलाब जल की तरह और ये स्प्रे हम इनको करते हैं और ये 2 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसा मेहंदी का प्रोडक्ट भी इसके साथ अंदर चला गया, स्किन में ऊपर ऊपर नहीं दिखाई देगा, 2 मिनट इनको बात नहीं करनी होती जब भी हम ये करते हैं, ठीक है। सामने से देखना क्योंकि मेरे को शीशे में देखने की आदत है, शीशा नहीं दूर ही दिख गया, शीशे में जरूरी है हम लोग शीशे में, इसीलिए तो मैंने यहाँ रखा था, हमारे शीशा में शीशा चाहिए होता है। वैसे आज चेयर ये बहुत पीछे कर दिया उन्होंने, मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ से इनका फेस क्रम करा करा के वहाँ देखते रहते हैं। मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, ये रहते हैं हमारे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तीन शेड्स हमेशा हमारे पास होने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के, तीनों शेड्स को यूज करके हम बना सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कलर। पहले हमने लगाया ये टोन, इसमें रेड ज़्यादा था, ठीक है, इसमें वाइट ज़्यादा है, इसमें येलो कलर है, ठीक है। सबसे पहले रेड का कवरेज दिया, दिख रहा है ये येलो पन, इसमें ये येलो पन, बस इससे ज़्यादा फेयर इनको नहीं जाएगा। काम के पीछे यहाँ पर, काम के ऊपर, सब जगह लगाना है। ये चीज़ बहुत लोग मिस कर जाते हैं और फिर फोटोज में साफ पता लगता है कि रंग बदला है। जब तक हमारा ये सूख रहा है हम अपनी बाकी के काम करते हैं। पाउडर एक बार लगा दिया उसके बाद हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, पाउडर लगाने से पहले थोड़ी देर दो, टाइम दो, कुछ और काम कर लो, ठीक है। लैश अब इस टाइम लैशेज लगा सकते हैं उनके, और
आपने ये मेरे को सिजर्स देना, साइज देना आईफोन लैशेस लगाने आते हैं आपको अमृता जी? हाँ जी देखिए लैशेस बिल्कुल ऐसे जाके सीधे लगा दे मैम जित जा को दे मैम ब्लैक से सब मिल गया और लगाओ मैं